ये बताइए कि कश्मीर में जो घटना हुई राजनीतिक घटना, तो वो जो चुनाव आ रहा है 19 में उसे प्रभावित करेगा? देखिए जो कश्मीर, देखिए हम चुनाव के प्रभाव की चिंता नहीं करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी परिणाम की चिंता नहीं करते हैं। देश में विकास की धारा कैसे बहे, गरीबी कैसे मिटे, सड़कें कैसे बने, सीमा सुरक्षित कैसे हो, भारत दुनिया के सामने एक शक्तिशाली देश के रूप में कैसे उभरे, यहाँ के लोग कैसे सुख शांति चैन से रहे, इसकी चिंता करते हैं। जहाँ तक आप कश्मीर की चूंकि चर्चा कर दिए हैं, तो आज कांग्रेस के बड़े नेता सोच ने कश्मीर की आज़ादी का समर्थन कर दिया। आज कांग्रेस के लोग को जो कार्रवाई करनी चाहिए उस पर कर नहीं रहे, और आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे संस्थापक, जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष जो आज भारतीय जनता पार्टी, उसी कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इस देश के दोस्त दो निशान दो प्रधान जैसे व्यवस्था नहीं चलेगी, इसके लिए उन्होंने अपनी सहमति दी। तो कांग्रेस को सत्ता चाहिए, कांग्रेस भारत के लोगों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है, और उसको देश से मतलब नहीं है, व्यवस्था से मतलब नहीं है, उसको मतलब है अपनी सत्ता से। इसलिए कांग्रेस आज कश्मीर जैसे राज्य पर जब उनके नेता कश्मीर की आज़ादी की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस उन पर कार्रवाई नहीं कर रही। कांग्रेस राहुल जी को इसमें माफ़ी मांगना चाहिए।